हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे। इजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक जॉब अपडेट की वैकेंसी लेकर के आए, वीडियो लेकर के आए आप लोग का। और ये जो लेसन है, ये आपका वैकेंसी जो है इंडियन रेलवे की तरफ से है, ठीक है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट 2021 वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है। कितनी पोस्ट के लिए है? तो 3590 यानी कि 3591 किसके लिए है? अप्रेंटिस पोस्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात किया जाए तो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट आपका 25 मई 2021 है। और लास्ट डेट की बात करें तो 24 जून 2021 है। कब है डियर? 24 जून 2021 है, ठीक है, लास्ट डेट। तो जो लोग, जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं अप्रेंटिस के लिए रेलवे में, इंडियन रेलवे में, तो वो आप 24 जून 2021 से पहले आप इसे अप्लाई कर दें, ठीक है। अब हम लोग जान लें वैकेंसी डिटेल कि किस किस के लिए आई है। तो सेंट्रल रेलवे वैकेंसी डिटेल आप लोग जैसा जान चुके हैं कि कितनी वैकेंसी है, 3591, ठीक है, 3591 पोस्ट की वैकेंसी है। वैकेंसी जो है वो किसके लिए है? कारपेंटर के लिए है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, मैकेनिक के लिए है, पेंटर के लिए है, पाइप फिल्टर के लिए है, ठीक है, प्लम्बर के लिए है, ड्राफ्टमैन के लिए है, बिल्डर के लिए है और डीजल मैकेनिक के लिए है, ठीक है। तो इन सब पोस्ट के लिए टोटल कितने आपका हो गए? कारपेंटर पहले पोस्ट हो गए, इलेक्ट्रीशियन आपका सेकेंड हो गए, इलेक्ट्रॉनिक थर्ड, फोर्थ, पेंटर आपका फिफ्थ, पाइप फिल्टर सिक्स्थ, प्लम्बर सेवन्थ, डस्टमैन एट, बिल्डर नाइन, टेन। टोटल 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, 3591 वैकेंसी है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ज़रूरी बात है कि सर कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन सेंस कि क्या चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए या ITI भी होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th और मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास आपको होना चाहिए। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया कि 10th में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। जो स्टूडेंट का 10th में 50% मार्क्स नहीं है या बिलो 50% यानी कि 50% से कम है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते डियर। और आपका 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्वालिफिकेशन है? अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें डियर, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके मांग रहे हैं, एक क्वालिफिकेशन यानी कि एक शैक्षिक योग्यता, एक आपके चाहिए शैक्षिक योग्यता जिसमें आपको 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ मिनिमम। और दूसरा टेक्निकल क्वालिफिकेशन, दो क्वालिफिकेशन मांग रहा है, दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहा है। दूसरा मांग रहा है कि ITI सर्टिफिकेट अप्लाइड टू NCVT और SCVT इन कंपल्सरी रिलेटिव रिलेवेंट ट्रेड एज अंदर, यानी कि जिस भी ट्रेड में आप ITI किए हुए, ITI के आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल में किए हों, ITI आप इलेक्ट्रिकल में किए हों या सिविल में किए हों या मैकेनिक, जो भी ब्रांच से आप किए हैं ITI, जिस भी फील्ड में किए हैं उस फील्ड से आपका ITI के सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये आपका टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांग रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास मिनिमम 50% के साथ। एज लिमिट की बात की जाए तो 15 साल से आपका 24 साल, यानी कि मिनिमम एज आपका 15 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम एज आपका 24 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की इम्पोर्टेंस में बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि सर इसका सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेसिस पे इसको रेलवे, इंडियन रेलवे रिक्रूट करेगी, किस बेसिस पे इसकी सिलेक्शन होगी। तो डियर स्टूडेंट, सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन एंड ITI। कहने का मतलब हुआ, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो आपका सिलेक्शन होगा, जो लड़का का मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट दो चीज़ के आधार पर बनेगा। एक तो आपका क्लास 10th में जो मार्क्स आए हैं उसमें, ठीक है, क्लास 10th के मार्क्स में
ऐड किए जाएंगे आईटीआई के मार्क्स, ठीक है, क्लास टेंथ के मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स दोनों को ऐड करके आपका क्या बनाएंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लड़का ए है जिसका टेंथ में मार्क्स आया है 80%, ठीक है, और आईटीआई में आया है 75%, इसमें भी मान लीजिए 70%, तो ओवरऑल इसका कितना हो जाएगा, ठीक है। एक लड़का बी है जिसका टेंथ में आया है 60% और आईटीआई में आया है 70%, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका नहीं होगा। तो सिलेक्शन होगा दोनों के नंबर के बेसिस पे, टेंथ का भी मार्क्स प्लस आईटीआई का मार्क्स, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। तो एप्लीकेशन फ़ी डियर स्टूडेंट्स 100 रुपीज़ रखी गई है, 100 रुपये रखा गया जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 1 रुपया यानी कि नील 0 रुपीज़ रखी गई है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वोमेन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो एक जॉब अपडेट आपके पास, क्योंकि जानते हैं हमारे चैनल पे मैथ रीजनिंग अभी एसएससी एमडीएस की क्लासेस भी चल रही है, आने वाले समय में ग्रुप डी की क्लासेस स्टार्ट होगी रेलवे ग्रुप डी की, और जो जॉब अपडेट आपका जेन्यून जो, और इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, आपका वेस्टर्न रेलवे का जहाँ पे ये आई है उसका ऑफिशियल वेबसाइट का आपका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको हम शेयर कर देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो सारा कुछ जेन्यून जो नोटिफिकेशन रहती है उसके बारे में हम लोग आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं इस यूजीबे चैनल के माध्यम से। तो आई होप कि ये नोटिफिकेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा तो, अगर आपको भी बोलें कि अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।